नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, साल 2005 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चिराग पासवान पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, रुपौली में जीत हासिल कर आरजेडी और एनडीए को शिकस्त देने वाले शंकर सिंह ने एक बार फिर आरजेडी और एनडीए को रुपौली में धूल चटा दिया है। हालांकि इस बार उनको चिराग ने टिकट नहीं दिया, जिस वजह से उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय ही ताल ठोक दिया। अपने फैसले को न केवल उन्होंने साबित किया बल्कि 19 साल बाद फिर से इतिहास रच दिया। निर्दलीय ही आरजेडी जेडीयू को हराया। एक तरफ जहां सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई वाला एनडीए था, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन था, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई नहीं हरा पाया। निर्दलीय होने के बावजूद उन्होंने अच्छे अंतर से जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल को हरा दिया, तो वहीं 5 बार के विधायक रहने वाले बीमा भारती को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का समर्थन भी हारने से नहीं बचा पाया। बाहुबली छवि के नेता हैं शंकर सिंह। बाहुबली छवि के शंकर सिंह अपने इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। अब भी दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई होती थी। 2005 को छोड़ दिया जाए तो हमेशा अवधेश और बीमा भारती उन पर भारी साबित हुए, लेकिन इस बार निर्दलीय ही उन्होंने अपने बाहुबल से सत्ता और विपक्ष दोनों को धूल चटा दिया है। अब जानते हैं कि कौन है शंकर सिंह। तो रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं। कथित रूप से इलाके में वो लिबरेशन आर्मा नामक गिरोह चलाते हैं। पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक शंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत जो है 19 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। 2005 में फरवरी वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने रामविलास की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। हालांकि नवंबर 2005 के चुनाव में उनको बीमा भारती से हार का सामना करना पड़ा था। अगड़ी जाति राजपूत से आने वाले शंकर सिंह की गंगौता समाज से आने वाली बीमा भारती के बाहुबली पति अवधेश मंडल के वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। दोनों की रंजिश में कई लोगों की जान भी गई है। तो ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहाँ पर रुपौली में चुनाव हुआ था और इस बार वो चुनाव जीत गए हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो धाराशाही हो गई है। तो एक अपडेट था, बाकी सब अपडेट पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।